ये बधाना वाटरफॉल के यहाँ आ गए हम यहाँ पर। और यहाँ पर ये मंदिर है, भोले बाबा का मंदिर है। और ये सीढ़ियाँ चढ़ रहा है मंदिर की। देखिए यहाँ पर बहुत ही बड़ा घंटा लगा हुआ है। देखिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। देखो ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। हेलो देखिए यहाँ पर ये मंदिर। और ये देखिए पहाड़ के ऊपर बना हुआ है ये मंदिर। इधर अगर हम जाते हैं यहाँ पर देखिए छोटा सा मंदिर बना हुआ है। ये देखिए गणपति जी का। देखिए नीचे का नज़ारा। यहाँ पर ये मंदिर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा लोग दूर दूर से घूमने आते हैं। और यहाँ पर ये देखो बैनर वगैरह लगे हुए हैं। किसी भी प्रकार का यहाँ पर पिकनिक वगैरह नहीं बना सकते। ये मंदिर घूमने की बहुत अच्छी जगह है। और यहाँ पर दूर दूर से दर्शन करने आते। देखिए मैं अपने चैनल के द्वारा थोड़े नारियल वाली अगरबत्ती पलट रहा जा। ये मंदिर का अद्भुत नज़ारा आपको बता रहा हूँ। ये देखिए ये कुंड के अंदर हर समय हर सीजन हर मौसम के अंदर यहाँ पर पानी आता रहता है। और ये देखिए यहाँ पर ग्वालियर से ये भी आया है। देखिए भक्त यहाँ से दूर दूर से आते हैं। और इसके मंदिर के जस्ट नीचे से पूरा वाटरफॉल झरना गया हुआ है। और उसके ऊपर तो अभी देखो यहाँ पर मंदिर ही है। ये बहुत ही ज़्यादा चमत्कार पूर्ण ये मंदिर है। देखिए श्री बाबा महाकाल का ये मंदिर है। और इसके अंदर जैसे ही हम एंट्री लेते हैं तो ये देखते हैं हम यहाँ पर। देखिए ये क्या है, ये इतना प्राचीन है यहाँ पर। और यहाँ पर जितने भी बहुत ही प्राचीन। देखिए इस मंदिर के अंदर अगर हम धीरे से भी बोलते हैं तो आवाज़ बहुत ही ज़्यादा गूंजती है। और यहाँ पर हम सबसे ऊंची चोटी पर मंदिर की आ चुके हैं। देखिए श्री महाकाल यहाँ पर गणेश जी और हनुमान जी और स्वयं ब्रह्मा जी और ये नंदी महाराज है। देखिए जय श्री महाकाल। देखिए ये भक्त आए हुए यहाँ पर ग्वालियर से आए हुए। और ये ग्वालियर ज़िले में पड़ता है, बधावना धाम के नाम से प्रसिद्ध है। और देवालय भी कहते हैं इसे। जय श्री महाकाल। हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। हम आपको ऐसे ही प्राचीन प्राचीन मंदिरों धर्मस्थलों के बारे में बताते रहेंगे। जय श्री महाकाल।